पहले बात करेंगे कांग्रेस की। यूथ कांग्रेस की अगुवाई में कांग्रेसियों ने हल्ला बोला है। बीते 8 दिन में यह कांग्रेस का चौथा बड़ा प्रदर्शन है। महंगाई, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाले समेत अन्य मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस भी सुरक्षा को देखते हुए मुस्तैद दिखी। तो अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से यह पूरा प्रदर्शन हुआ है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह कांग्रेस आज सड़कों पर नजर आई। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए ताकि भीड़ को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और बस इसी दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जमकर झड़प भी हुई। कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल तो किया ही, साथ ही जब वो नहीं रुके तो टियर गैस के गोले भी दागे गए। राजधानी भोपाल में महंगाई, बेरोजगारी और नर्सिंग घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की अगुवाई में कांग्रेसी सीएम आवास के घेराव के लिए रवाना हुए। उधर पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे पर किलेबंदी कर रोक लिया। इस दौरान बीवी श्रीनिवास, मितेंद्र सिंह यादव समेत यूथ कांग्रेस नेताओं की पुलिस से झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं की भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कमजोर नहीं कर पाया। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर तक पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागे। डरेंगे नहीं है, बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम जो रिपोर्ट। बीवी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे साथ थे, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें बलपूर्वक रोका गया, आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए और युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश में जुटे कार्यकर्ताओं पर पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। बैरिकेड पर चढ़े जीतू पटवारी पानी के प्रेशर से नीचे गिर गए। वाटर कैनन के बाद आंसू गैस के गोले छोड़कर कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले के कारण कार्यकर्ता तितर बितर हो गए। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल यूथ कांग्रेस ने 2 महीने पहले क्या हुआ तेरा वादा अभियान शुरू किया था। इसमें करीब 4.5 लाख युवाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर समस्याएं बताई थीं। इनको लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात कटनी की कर लेते हैं जहां बुजुर्ग महिला और नाबालिग से मारपीट के वायरल वीडियो पर हुआ है बड़ा एक्शन। सरकार ने मामले में एक्शन लेते हुए 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कटनी पहुंचे थे जहां पीड़ितों से मुलाकात की और थाने में केस दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठ गए। मारपीट का 1 साल पुराना वीडियो वायरल हुआ तो मचा सियासी बवाल। कांग्रेस का प्रदर्शन, मामले में बड़ी कार्रवाई, थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। कटनी में आदिवासी बुजुर्ग महिला और नाबालिग से मारपीट का वीडियो आपने देखा होगा। वीडियो भले ही 1 साल पुराना था लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सियासी बवाल मच गया। पीड़ित आदिवासी महिला को न्याय दिलाने के लिए एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कटनी पहुंच गए जहां पीड़ित से मुलाकात की और मामला दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे। जब तक मामला दर्ज नहीं हुआ जीतू पटवारी थाने में धरने पर बैठ गए। मैं जब तैयार हूं, आपको जो मन आए वो करो। बिल्कुल क्यों मैं डीआई साहब मिलेंगे, यहाँ पे डीआईजी को बुला। प्रदेश में हो रहे दलित और आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंबेडकर के विरोधी विचारधारा है, बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी विचारधारा है, उसको आज प्रमाणित किया मोहन भैया की सरकार ने, उनके प्रशासन ने, उनके मंत्रालय ने। अल्टीमेटली झुकना पड़ा या न्याय देना पड़ा।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसी को पद का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं है, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम तो जैसे संज्ञान में आया मैंने उस पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है, किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी कोई अन्याय होता है, कानून के विरुद्ध जाके कोई अपने पद का दुरुपयोग करता है तो सरकार कार्रवाई करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस कानून सम्मत व्यवस्था में सब अपनी मर्यादा में रहे। फिलहाल कटनी मारपीट मामले में जीआरपी थानेदार समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में वरिष्ठ अधिकारी जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात बैतूल की। बैतूल में धर्मांतरण का खेल उजागर हुआ है। चिजंडा गांव में धर्मांतरण सभा चल रही थी और जब इसका एक युवक ने विरोध किया तो विवाद हो गया। पुलिस को सूचना मिली तो वो भी मौके पर पहुंची। शिकायत के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। धर्मांतरण का खेल आखिर कब तक? नहीं रुक रहा धर्मांतरण का डर्टी गेम। गांव में गुपचुप धर्म बदलने की सभा। सभा का हुआ विरोध तो हो गया विवाद। डर्टी गेम उजागर, ईसाई प्रचारक गिरफ्तार। एमपी में एक बार फिर से धर्मांतरण का पर्दाफाश हुआ है। प्रदेश के बैतूल जिले में यह खेल चल रहा था। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए एक सभा चल रही थी, इस दौरान एक युवक ने विरोध किया तो विवाद हो गया। सभा के दौरान हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गईं, जिसे सुनकर एक स्थानीय युवक ने विरोध किया। विवाद बढ़ने पर युवक ने गांव के सरपंच और पुलिस को सूचना दी। मुंबई से आए 2 प्रचारकों समेत कुल 6 लोगों पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को मौके से धर्मांतरण से जुड़ा साहित्य भी बरामद हुआ है। उधर मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार है और अगर ऐसे समय में मध्य प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है तो मैं समझता हूं ऐसी सरकार को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस सरकार में न धर्म सुरक्षित है न धर्म की बेटियां। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि धर्मांतरण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में कानून है और कानून को तोड़कर इस तरह की कृत्य करने का किसी को आजादी नहीं है और मुझे लगता है कि जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, लोभ लालच देके लोगों का धर्म बदल रहे हैं, उन पर कानूनी और सख्ती की सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, सरकार कर रही है। बताया जा रहा है कि सभा में 50-60 आदिवासी और दलित शामिल थे। धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज 18। और अब बात करते हैं प्रदेश में बढ़ रहे सुसाइड की, साथ ही साथ जो छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर कोई थाने में शिकायत लेकर पहुंच जाता है तो उसके साथ पुलिस का क्या बर्ताव होता है, उसकी भी शिकायतें हैं। तो लगातार किस तरह से ये घटनाक्रम है, अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें भी, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंदौर, ग्वालियर, टीकमगढ़ की। इंदौर की रहने वाली एक महिला ने पुणे में छत से छलांग लगा दी। उधर ग्वालियर में एक लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। टीकमगढ़ में तो पुलिस ने गैंगरेप की शिकायत करने पहुंचे पीड़ित परिवार वालों के साथ ही अभद्रता की। पुलिस का ये चेहरा कई सवाल खड़े कर रहा है। अगर बात करें इंदौर की तो यहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने पुणे में 6 मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी। 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। सुसाइड से पहले युवती ने अपने पिता को मैसेज भी किया था जिसमें सास ससुर और पति पर मारपीट करने के आरोप भी लगाए थे। इधर बात अगर ग्वालियर की कर ली जाए, ग्वालियर में एक 16 साल की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नाबालिग से छेड़खानी का आरोप पड़ोस में ही रहने वाले राहुल बाथम नाम के युवक पर है। आरोपों के मुताबिक राहुल बाथम ने छात्रा के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की।
पीड़ित ने विश्वविद्यालय थाने में शिकायत दर्ज कराई और छेड़छाड़ के बाद से आरोपी राहुल बाथम फरार है। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। और अब बात टीकमगढ़ की करेंगे। यहां 13 साल की लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस पर लगे हैं बदसलूकी करने के आरोप ये कि जब मामले की शिकायत करने के लिए परिजन पुलिस चौकी पहुंचे तो उन्हें वहां से गाली देकर धमकी देकर भगा दिया गया। इसके बाद जब पीड़ित लड़की और उसके परिवार वालों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई तब कहीं जाकर आरोपी सलीम खान और लालू खान पर मामला दर्ज किया गया। उधर इस मामले को लेकर एसपी ने कहा है कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। में आरोप लगाए पुलिस ने अभद्रता की और भगा दिया, कार्रवाई नहीं की थी। सर इस मामले में क्या कार्रवाई? इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है और सारे जो जैसा कि परिजनों ने बताया उसमें सारे फुटेज भी देखे जा रहे हैं। यदि किसी की संलिप्तता है, किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही टीकमगढ़ मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है, गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 24 घंटे तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इतना बड़ा मामला होता है और पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे एससी एसटी और ओबीसी समाज की बच्चियां, उनके साथ में इस तरह के दुष्कर्म आए दिन हो रहे हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा? अगर उन बच्चियों को न्याय नहीं मिलता है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। कि अगर टीकमगढ़ के अंदर वहां पर आरोपी सलीम खां और लालू खां, उनके द्वारा अगर आदिवासी पीड़िता के साथ अन्याय करते हैं तो उनके लिए कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को या कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता मध्य प्रदेश के अंदर। तो एक तरफ पुलिस ने शिकायत के लिए थाने पहुंचने वालों से अभद्रता कर दी, दूसरी तरफ खंडवा में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस की गिरफ्त से आरोपी ही फरार हो गए और पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं हुई। दरअसल खंडवा के थाने में लॉकअप में बंद आरोपी फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने लॉकअप तोड़कर भागने वाले बदमाशों के खिलाफ 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। बाइक चोरी के आरोप में मोघट थाने में ये आरोपी बंद थे जो लॉकअप तोड़कर फरार हो गए। खंडवा एसपी मनोज राय ने लॉकअप तोड़कर फरार हुए 5 आरोपियों के खिलाफ 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। 3 मामलों में अलग अलग वाहन चोर पकड़े गए थे जिनके कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और इन चोरी के प्रकरणों में मोघट रोड से विगत दिनों जो कुछ संदिग्ध बैठे थे जो वहाँ से भाग गए थे वो भी इसमें आरोपी थे। उन आरोपियों के उनके द्वारा जानकारी दिए जाने पर उनको इन वाहन चोरी के प्रकरणों में आरोपी बनाया गया। इंदौर में मिलावटखोरों पर नकेल कसी गई है। नामी रेस्तरां समेत शहर के बार, होटल, डेयरी, यहाँ तक के अनाज और मसालों की फैक्ट्री समेत 20 संस्थानों से सैंपल फेल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। अपर कलेक्टर न्यायालय ने सैंपल फेल होने के बाद 21 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जारी आदेश के मुताबिक 30 दिन में यदि ये राशि जमा नहीं की गई तो लाइसेंस भी निरस्त होगा। इसमें स्कीम नंबर 140 के एक बार एंड रेस्टोरेंट के साथ ही 20 प्रतिष्ठान शामिल है। इनके सैंपल फेल होने की रिपोर्ट आने के बाद सुनवाई के बाद जुर्माने का आदेश दिया गया है। वे सभी प्रकरण जिसमें के अवमानना किया, मिथ्याचार किया और किसी कैटेगरी में सैंपल फेल हुआ था, उन सभी में हमारे यहाँ से नोटिस जारी हुए और विधिवत सुनवाई करने के बाद में आज तकरीबन 20 केसेस में आदेश जारी हुए हैं जिसमें 21 लाख 80 हज़ार की पेनल्टी अधिरोपित की गई है।
ये सभी केसेस अधिकतर अवमानक श्रेणी के हैं, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है या फिर मूंग दाल के प्रोडक्ट्स हैं या फिर पनीर के सैंपल हैं या कोई बेकरी के आइटम हैं, इस प्रकार के आइटम्स हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ कर दिया। मध्य प्रदेश भवन में ये उत्सव आज से 2 सितंबर तक चलेगा। उत्सव में प्रदेश की समृद्ध कला संस्कृति और उपलब्धियों की झलक दिखाई दे रही है। इस उत्सव में हथकरघा, हस्तशिल्प, ओडीओपी उत्पाद, जीआई उत्पाद, विंध्य हर्बल्स के स्टॉल लगाए गए हैं। हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद पर विशेष छूट भी दी जा रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन की प्रदर्शनी में राज्य के टूरिज्म पैकेज और प्रोडक्ट्स की जानकारी दी जा रही है। आहार उत्सव में मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों के मुख्य व्यंजन भी उपलब्ध हैं। मालवा थाली, बुंदेलखंड थाली, निमाण थाली, बघेलखंड थाली का जायका लोग ले सकते हैं। इसके अलावा विशिष्ट व्यंजन जैसे भुट्टे की कीस, इंदौरी पोहा, महेरी, सेव भाजी, निमोना भी शामिल है। इस साथ ही साथ बाफला, चूरमा लड्डू, मिलेट खीर, इसका भी जायका यहाँ लिया जा सकता है। समृद्ध विरासत है, उसको सबके सामने लाने का प्रयास होना चाहिए, उसी की कड़ी में ये मध्य प्रदेश उत्सव की शुरुआत है। कुल मिलाकर के भारत की आदिकाल से अलग पहचान है, ऐसे में मध्य प्रदेश तो मध्य में आता है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी क्षेत्रों की थोड़ी छाप भी है और कुछ हटकर उसकी अपने अस्तित्व की पहचान भी है। ये सबको सामने लाने का प्रयास अनुकरणीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है, मेरी अपनी ओर से बधाई। और अब खबर मुरैना से, जहां बच्चों के विवाद में गोलियां चल गईं। यहां दो गुटों के बीच फायरिंग हुई है, एक शख्स को साथ जमकर मारपीट की गई है। बच्चों के बीच विवाद हुआ, विवाद बढ़ते बढ़ते बवाल तक पहुंच गया। ये बवाल हुआ है किशनपुर गांव में, अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बच्चों के झगड़े में दो पक्षों के बीच इस कदर विवाद गहरा गया कि गोलीबारी चलना शुरू हो गया। बच्चों का विवाद फायरिंग तक पहुंच गया, किशनपुर गांव की यह घटना है। घायलों का अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, दो गुटों के बीच फायरिंग का पूरा मामला। अगली खबर सतना से है, जहां एक नाबालिग के साथ मारपीट की गई। बदमाशों ने लात घूंसों से इसे जमकर पीटा है। मैहर के सतना चौराहे की घटना है, पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। नाबालिग से मारपीट की गई है, बीच बाजार सरेराह सरेआम नाबालिग से मारपीट। यहाँ आप देख सकते हैं एक नाबालिग को किस तरह घेर कर ये लोग पीट रहे हैं। वहां से आसपास लोग गुजर रहे हैं, दुकान लगा के खड़े हैं, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने नहीं जा रहा, सब तमाशा देख रहे हैं। और अगला मामला है श्योपुर से। श्योपुर में सरेराह एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ये महिला बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रही थी, आरोपी युवक ने महिला के साथ गलत हरकत की और विरोध करने पर ये फरार हो गया, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, महिला अपने बच्चे के साथ जा रही है और श्योपुर का ये मामला है। अगली खबर भी श्योपुर से। पंप पर, पेट्रोल पंप पर मिलावटी तेल बेचने का आरोप लगा है। पेट्रोल पंप पर पानी मिल रहा है, मलबा मिला हुआ तेल मिल रहा है। किसानों ने इस पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा भी किया है, अधिकारियों को फोन कर मामले की शिकायत की है। 3 घंटे बाद भी जांच करने के लिए यहां कोई टीम नहीं पहुंची। मिलावट की वजह से झटका लेकर गाड़ियां बंद हो जा रही है। हालांकि मिलावटी डीजल का वीडियो बनाकर बाकायदा
वायरल कर दिया गया है। 8 से 10 किसान ऐसे जिन्होंने इस पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ी में डीजल डलवाया, ट्रैक्टर में डीजल डलवाया, लेकिन वो झटका देकर बंद हो रहे थे। बाद में जब डीजल को देखा गया तो उसमें पानी और कचरा मिला हुआ था और किसानों ने फिर पेट्रोल पंप जाकर हंगामा किया, जिस पेट्रोल पंप से उन्होंने डीजल भरवाया था। आज के आंच में इतना ही।